व्हाट्सअप गाइस, तो लेके आ चुके हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में थोड़ी सी और अपडेट्स के बारे में आपको आगाह करने वाले हम। तो गाइस, सबसे पहले यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को आपको मिल जाए नोटिफिकेशन। तो गाइस यार चलते हैं वीडियो की तरफ। एंड सबसे पहले यार ये इमोट देख लो, डिंचिका वाला। और हाँ यार गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये आपके लिए स्पेशल इमोट। हाँ तो गाइस यार आने वाली है सबसे पहले M1887 की स्किन यार, जो कि बहुत ही लेजेंडरी गन मानी जाती थी पहले, लेकिन जब से अपडेट के बाद यार इसकी कुछ कर दी गई है कम डैमेज और रेंज, तब से ये गन थोड़ी सी काम देने में मज़ा नहीं कर रही है। तो गाइस इसकी पहली स्किन भी मैं ले चुका हूँ, तो यार दूसरी आने वाली है, तो देखता हूँ किस इवेंट में आती है। अगर लक रियल के अंदर आएगी तो मुश्किल ही है गाइस कि मैं ये लूँ, लेकिन ये भी मैं स्किन लूँगा। तो ये तो मुझे है कि यार बहुत ही कमाल की है, मेरी पर्सनली बहुत अच्छी गन थी। और यार अब बात कर लें दूसरी M60 की स्किन आने वाली है यार, M60 की येलो कलर में स्किन आने वाली है गाइस। तो आप लोग बताओ यार आपको ये येलो कलर की स्किन कैसी लगी है। तो यार मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी है गाइस। और इसी जो थीम की है वो न्यू स्किन आने वाली है की, और वो जो नई M82 की आ चुकी है। तो जो और अपडेट की बात करें तो किस चीज़ की स्किन आने वाली है, परोंग देख रहे हैं आप, परोंग की स्किन आने वाली है। परोंग यार काफी कमाल की, परोंग की स्किन पहले भी आ चुकी है, लेकिन गाइस और भी स्किन अवेलेबल है परोंग की जो कि अभी तक आने वाली है, हमारे सर्वर के अंदर नहीं आई है। और उम्मीद है ये कि मुझे शायद आपको ये कैसी लगी। और जो नया एक स्किन आने वाली है बात कर लेते हैं यार बंडल की। तो बंडल में यार थर्ड एनिवर्सरी बंडल गाइस अभी तक आपने सिर्फ थीम में देखा है, लेकिन यहाँ पे नहीं देखा है। तो गाइस आप देख लो ये किस तरह का बंडल है, काफ़ी यार कमाल का बंडल है यार। रियली मुझे ये मेरा फेवरेट बंडल हो गया यार, जब से ये आया है मुझे रियली बहुत ही कमाल का गाइस ये बंडल लगता है यार, बहुत ही कमाल का ये बंडल है। इसके हेयर देख लो, इसके ये ड्रेसिंग स्टाइल गाइस कुछ भी यार देख लो आप, बहुत ही कमाल का यार बंडल है जो कि मुझे यार रियली बहुत पसंद है। आप लोग भी कमेंट ले यार, आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके आप बताओ कि आप लोगों को ये बंडल कैसा लगा है। तो गाइस जूम इन जूम आउट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यार आप देख लो कैसा आपको लगता है, मुझे तो यार रियली बहुत अच्छा लगा। और बंडल जो लड़की का है, लड़की के बंडल की बात कर लें तो लड़की का बंडल लड़की को बहुत इन्होंने क्यूट सा बनाया हुआ है, लेकिन लड़की के बंडल में कोई भी यार इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता है, तो मैं खुद इसमें इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस वीडियो के इस जो है इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है जो लड़की का कॉस्ट्यूम है। तो लड़के के कॉस्ट्यूम में मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा उसको मैंने लाइक किया है कि वो मैं लूँगा यार, वो बहुत ही कमाल का है। लेकिन यार लड़की का कॉस्ट्यूम भी कुछ कम नहीं है, लड़की का कॉस्ट्यूम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि यार आपको कौन सा बंडल अच्छा लगा है, थर्ड एनिवर्सरी का लड़की वाला या लड़के वाला। मुझे तो यार जो अच्छा लगा है वो लड़के का बंडल है। आप मेल या फीमेल कुछ भी कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको कौन सा बंडल अच्छा लगा। और यार और जो बंडल आने वाले हैं वो आप देख सकते हैं, शायद ये गाइस इलाइट पास का बंडल है, मुझे जहाँ तक लगता है ये इलाइट पास का बंडल है। इसी के मैंने आपको बैग्स वगैरह दिखाए थे, जो बैग दिखाया था इसी का ग्रेनेड पैन, और इसी की स्किन थी जो इसी टाइप की थी। तो गाइस ये कुछ इतना खास बंडल नहीं है, लेकिन सिर्फ इसका थोड़ा सा है जो इसके सर पे जो कान से हैं वो थोड़े से हैं अजीब से,
तो बाकी ये बंडल मुझे इतना खास नहीं लगा है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो यार आप लोग लाजमी बताना कि आपको ये बंडल किस तरह का लगा है। और यार एक और बंडल आने वाला है, बंदर की शक्ल वाला बंडल आने वाला है जो कि आपको इस तरह का दिखेगा। इसकी गाइस जैकेट बहुत ही कमाल की है, जो इसकी जैकेट है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। इसका फेस कुछ इतना अच्छा नहीं है, इसकी कैप भी अच्छी हो सकती है, तो जो इसकी जैकेट है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। तो गैस आप लोग बताना आपको इसकी कौन सी चीज़ अच्छी लगी है। और गैस सबसे जो प्यारा बंडल मुझे देखने को मिला यार, ये स्पेड वाला, जैसे MP40 स्पेड आई थी उसी तरह का ये बंडल आने वाला है। शायद ये इनक्यूबेटर सेक्शन के अंदर आने वाला है, स्पेड वाला येलो कलर का बंडल है। और इसी तरह और भी बंडल आने वाले हैं, जैसे MP40 का बंडल आया है, अच्छे लगे हैं। और यार ये शायद नेक्स्ट लाइट पास के अंदर आने वाले हैं। ये वो एक बंडल मैंने आपको पहले दिखाया था, लेकिन वो शायद डायमंड रॉयल के अंदर भी आ जाए, उसका कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो है ये इलाइट पास का ही है कॉस्ट्यूम, तो ये इलाइट पास का कॉस्ट्यूम आप देख लो गाइस, काफ़ी कमाल है यार। और देख लो इसकी पैंट इस तरह की नज़र आती है, ये गाइस इसकी पैंट है। और शूज़ आप देख सकते हैं, शूज़ भी देख लो, शूज़ भी अच्छे हैं गाइस। काफ़ी यार कमाल कमाल के बंडल आ रहे हैं आज का। तो यार ये एक और लड़की का नया बंडल आने वाला है यार, इस तरह का बंडल पहले भी आ चुका है हमारी गेम के अंदर, लेकिन वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट था। तो ये जो मैंने आपको वो पेड़ वगैरह वाला दिखा दिया, उसी तरह का ये भी एक बंडल है जो आने वाला है। और यार बाकी यार ये मुझे नहीं पता चली अभी तक, स्किन निकल के मेरे सामने आई है। तो M60 आपने देख ली हुई है गैस पहले भी, ये सेम जो थी, लेकिन गैस आपने जो M60 देखी है ये सेम वो नहीं है, ये थोड़ी डिफरेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसका थोड़ा चेंज है, ये नहीं M60 क्रेट के अंदर अवेलेबल होने वाली है स्टोर के अंदर। पता नहीं कब तक हमारे सर्वर में आती है, लेकिन दूसरे सर्वर में आ चुकी है, सब सर्वर के अंदर नहीं आई है। और जो गाइस बात कर लें अपडेट के अंदर, ये वाला बंडल गोल्ड रॉयल के अंदर आना चाहिए था। तो गाइस ये मैं आपको बता दूंगा कि यार ये किस सर्वर के अंदर अवेलेबल हुआ है। और यार मुझे तो ये पर्सनली इतना खास बंडल नहीं लगा,